बिहार के गोझा के बारे में तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। इस गोझा के साथ आज हम बना रहे हैं हरी चटनी, और ये हरी चटनी इस गोझे के साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे हाँ, आप सभी तो गोझा नहीं जानते होंगे। कुछ लोग इसको पीठा बोलते हैं, कुछ लोग इसको भकोसे बोलते हैं, इसको अमर पीठा कहा जाता है। इसको बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये चने की दाल से बनाई जाती है, बेसन से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है, या तो इसको बॉईल करके कच्चा खाया जाता है, या तो इसको फ्राई करके बनाई जाती है। उसमें हल्का सा ऊपर से आप काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ी गोल्ड मिर्च डाल सकते हैं। तो सबके स्वाद अनुसार ये अलग अलग तरीके से बन सकता है। मतलब एक गोझा को कितने तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए, आज बहुत ही टेस्टी से गोझा की रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने चने दाल को दिन भर यानी 3 से 4 घंटे भिंगो दिया था। इसको 2-3 बार पानी से साफ़ कर लिया है, और अब इसको हम पीस लेते हैं। सारे गोझे को पहले पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। यहाँ पे हमने सारे गोझे को, सारे चने की दाल को पीस लिए हैं। ये सारे मसाले अब हम पीसने वाले हैं, जिसमें कि हमने लहसुन 1 बड़ी चम्मच लिया है, जीरा, ढेर सारी हरी मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। सारी चीज़ों को हमने पीस लिया और डाल दिया। 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और हींग जरूर से डालिएगा। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, और इसका जो खुशबू आएगी ना, वो बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। लीजिए, पेस्ट रेडी है। अब इसको हम ढक देते हैं, थोड़ी देर रेस्ट हो जाए, फिर हम तब तक आटे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर दिया है, और इस कढ़ाई में 1.5 कटोरे के लगभग यानी 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिए हैं। आटे हमने लगा रखा है, और हमने जो मसाले तैयार किए थे वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, यानी फूल चुका है। सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। एक बड़ा सा लोइया लिया जाता है, और उसके बाद इसको हम वही प्रोसेस जैसे कि हम लोग पराठे बनाने के लिए करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले बेल लेते हैं। और अब इसमें जो पूरन हमने बनाया हुआ है दाल का, वो इसमें हम भर लेते हैं, और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो साइड से जो निकलता है उसको आप निकाल दीजिए। टेंशन मत लीजिएगा, ये गुझिया नहीं है जो तेल में बह जाएगा, ये बिल्कुल सेट रहेगा, नहीं बहेगा। जो अभी एक्स्ट्रा निकल रहा है मटेरियल, बस उसको आप निकाल करके रख दीजिए। बाकी आप जैसे फोल्ड हो रहा है वैसे इसको फोल्ड कर दीजिए। ये जो बाहर निकल रहा है बस उसको निकाल देना है, हटा देना है। ये लीजिए, तैयार हो गई है। दूसरा भी बना लेते हैं, इस तरीके से सारे बना लेते हैं। पानी जब हल्का सा गुनगुना सा हो जाए तो हम डालना अब शुरू भी कर देते हैं। ठंडे पानी में मत डालिएगा, जब भी हल्का सा बुलबुला निकलने लगे तब इसमें एक एक बना करके डालते रहिएगा। पूरे बन चुके हैं, और देखिए डालते डालते बॉईल भी होने लगा है। अब इसको हम लो फ्लेम में ढक देते हैं, 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहिएगा, लेकिन ये 10 मिनट में बॉईल होगा। चलिए, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए हमने 4 आंवला लिया है, हरी मिर्च लिया है 4, और 1 पूरी कली लिया है लहसुन का। आंवला जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। तीखे के लिए हमने हरी मिर्च लिया है, और लहसुन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट के पेशेंट जो लोग होते हैं वो लहसुन ज़रूर से खाएं, ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ हमने पीस लिया है सारे चीज़ों को, और चलिए इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें 1/2 चम्मच के करीबन
सरसों का तेल डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है और ये स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी चटनी बन करके तैयार हो गई है। और इसको जब आप पीठे के साथ खाएंगे, या तो पीठे को फ्राई करके या तो बॉईल करके, दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे पीठा भी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और ढक देते हैं, अभी और हो जाए बॉईल। फाइनली हमारा पीठा बन गया है, बॉईल हो चुका है। तो गांव में हम लोग इसको ऐसे ही खाते हैं, रसेदार सब्जी के साथ में या फिर चटनी के साथ में। और यूपी साइड में इसको फ्राई करके बनाई जाती है। तो जब फ्राई तब करिएगा जब इसको ठंडे में हवा में रख दीजिए, जब सूख जाए, क्योंकि बॉईल होने के बाद ये गीला रहता है, काटेंगे तो पूरा अजीब सा हलवा सा हो जाता है, चिपचिपा सा। ये हवा में ठंडा हो जाता है तो सूख जाता है। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट दीजिए और इसके बाद इसको ऑयल में फ्राई कर दीजिए। ऑयल में फ्राई करते टाइम आप इसमें ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। ये दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं इसको, या तो आप इसको कच्चे खाइए यानी बॉईल करके, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को बॉईल करके खाने में, या तो आप फ्राई करिए, फ्राई करने पे बहुत टेस्टी लगता है। लीजिए, गर्मा गर्म तैयार है। अब यहाँ जो आप साइड में देख रहे हैं वो थोड़ा चना बचा था वो है।